पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का एक नया कारनामा सामने आया है। विकास प्राधिकरण की टीम ने विकास प्राधिकरण के पार्क में बने दो मंदिरों के निर्माण को अवैध बताते हुए दोनों मंदिरों में ताले डाल दिए। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोग रोए कि अंदर भगवान भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, परंतु प्राधिकरण की टीम ने किसी की नहीं मानी और दोनों ही मंदिरों में अधिकारियों ने ताले डालकर भगवान की मूर्तियों को कैद कर दिया। भैया कहाँ से भी आप थोड़ी देर पहले आते तो आप देखते कि सारे लोग आ रहे हैं, भगवान को दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं और बाहर से भारी जल चढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ये कब से बंद है? ये शनिवार से बंद। किसके आदेश पर बंद है? ये आदेश तो वीसी साहब बताया जा रहा है कि पहले खुद आए थे, फिर कोई MD का कर्मचारी आया। मैं उस दिन था नहीं यहाँ। इस सेक्टर 13 का F ब्लॉक है। सब बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। मंदिर में शनिवार दिन सुबह सुबह 11 बजे के आसपास वीसी साहब बिल सचिव के आए यहाँ और उन्होंने लोगों से पूछताछ करी कि भाई मंदिर किसकी परमिशन से बनाया, क्या सीन है इसका, कब से बनाए। तो उन्होंने उनके स्टेटमेंट लिए और यहाँ रख रखाव को लेके कहीं है सफाई नहीं है, कपड़े सूख रहे हैं, फलाना ढमाका, लोगों ने शिकायत करी है मंदिर में तुम लोगों को आने नहीं देते हो, दमंग लोगों की प्रवृत्ति के लोग यहाँ मंदिर में कब्जा करे बैठे हैं और मंदिर में आने नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग स्वार्थपूर्वक पूजा करते हैं यहाँ पे और सभी लोगों के सहयोग से मंदिर बनाए। पार्क का कोई भी यहाँ पार्क के आसपास का सेक्टर 13 कोई भी आदमी मंदिर का विरोध नहीं करता है। मुझे सूचना मिली कि शनिवार को यहाँ कोई BC आए MDA के, उन्होंने मंदिर का ताला लगाया और जो है यहाँ के कुछ लोगों से उन्होंने वार्तालाप की। तो ऐसी कोई विषय या ऐसा कोई बात नहीं है कि मंदिर में ताला लगाया जाए। हर पार्क में और हर महानगर में या हर जिले में पार्कों में मंदिर का निर्माण के लिए कहीं से कोई आदेश नहीं है ऐसा, क्योंकि यदि यहाँ के लोग, यहाँ जन सामान्य लोग रह रहे हैं, समाज के लोग रह रहे हैं, तो उनको एक पूजा की स्थान की भी ज़रूरत है। तो अगर यहाँ मंदिर है तो मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और मैं समझता हूँ ये आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए हिंदू समाज के लिए। अगर BC साहब ने यहाँ ताला लगाया है, अगर वो ताले को नहीं खोलते हैं तो विश्व हिंदू परिषद जन आंदोलन करेगा और BC हमें मजबूर करेंगे कि हम सड़कों पर उतर के आएँ बैठें। और क्षेत्र के लोग मंदिरों में पड़े ताले खुलवाने के लिए नेताओं और अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। नया मुरादाबाद में पार्क में बने मंदिरों में विकास प्राधिकरण की टीम ने ताले डाल दिए और भगवान की मूर्तियों को कैद कर दिया। भाजपा सरकार के अधिकारी की कार्रवाई से नाराज लोगों में रोष पनप रहा है, तो वहीं उनका कहना है कि जहां जरूरत है कार्रवाई की वहां पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन मंदिरों को बंद कर दिया गया। नया मुरादाबाद के सेक्टर 16 के पार्क में बने ओमकारेश्वर मंदिर और सेक्टर 13 में बने नर्मदेश्वर मंदिर में लंबे समय से आसपास के लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। देख सकते हैं सारे लोग मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं मंदिर में। मंदिर में BC साहब ने ताला लगा दिया है, तो वो सभी चाहते हैं, हाथ जोड़ के सभी का विनम्र निवेदन है कि ताला खोल दिया जाए और हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी जाए। थोड़ा दुखी हो रहे हैं क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे आरती, दोनों टाइम आरती होती थी, सभी लोग नियमित रूप से दर्शन करने आते थे, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या परेशानी हो रही है। कब से ये मंदिर बंद है और कब से पूजा नहीं हो पा रही है? 3 दिन हो गए ताला लगे हुए। चलिए, ये मंदिर आज से नहीं, काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पे लोग शुरू से ही पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नए आकर अपना वो दिखाते हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं है, बनेगा, यह है, वो है, भी पार्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान स्थापित हो चुके हैं और हम लोगों की श्रद्धा के साथ हम चाहते हैं कि हमारे ये मंदिर खुले, हम सब यहाँ पे पूजा अर्चना करें, नहीं तो हम लोग यहीं पर बैठ के धरना दे देंगे। सेक्टर कौन सा कहलाता है? ये सेक्टर 16 है। कब से बंद है मंदिर? ये सैटरडे से बंद है जी। मामला ये है कि यहाँ पे पता चला कि जो है VC साहब आए थे एब्सेंस में, ताला जो है यहाँ लगा दिया जिससे कि हम लोग को पता नहीं चला और हमारी पूजा अर्चना में जो सुबह शाम होती है उसमें व्यवधान आ रहा है। कब से बंद है ये? सैटरडे को। तो अब किस तरह से यहाँ पूजा करने वाले आ रहे हैं? पूजा बाहर खड़े होकर करते हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने? दिक्कतें ये आ रही हैं कि ईश्वर जो हमारे उनको भोग नहीं लग पा रहा है, जो हमारे भोलेनाथ हैं उनको, जो उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, जिसके लिए कि हम यहाँ आते हैं और सबकी श्रद्धा यहाँ मंदिर के साथ है। स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार को MDA उपाध्यक्ष मधुसूदन होलगी निरीक्षण करने आए थे, वहां गंदगी को लेकर अवर अभियंताओं को फटकार लगाई, उन दोनों मंदिरों के पुजारियों से निर्माण के दस्तावेज मांगे जो वो नहीं दिखा सके। इसके बाद VC ने दोनों मंदिरों में ताला लगवा दिया। मंदिर प्राधिकरण के पार्क के एरिया में बना था, परंतु
आस्था से जुड़े हुए बात को लेके हमने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, परंतु जहाँ पे मंदिर बना है उसके आसपास इतनी गंदगी है, उसमें कोई साफ सफाई नहीं हुई है। अब MDA का बाउंड्री वॉल को तोड़ के गेट बना दिया गया, उस पर भी अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस हमने वहाँ पे ताला लगाया ये सूचना देने के लिए, और हमेशा यही रहता है सूचना शासन से भी और प्रशासन से भी कि हमें साफ़ सफाई रहना चाहिए। जब हम लोग साफ़ सफाई में रहते हैं तो हम हमारे भगवान जी को भी साफ़ सफाई में रखना चाहिए। पब्लिक TV आपकी आवाज़।